दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक बार फिर से हर की पैड़ी लेकर चलता हूं और हरिद्वार कांवड़ यात्रा के सुंदर दृश्य हम आप सभी को दिखाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांवड़ यात्रा शुरू भी हो चुकी है और धीरे धीरे करके कांवड़ियों की संख्या में अब बढ़ोतरी भी नज़र आने लगी है। तो थोड़ी देर में हम हर की पैड़ी में पहुँच जाएंगे। उससे पहले आप लोग ये भीमगौड़ा के पास के दृश्य देख सकते हैं। भीमगौड़ा से होते हुए थोड़ी देर में हम आपको हर की पैड़ी के सुंदर दृश्य दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। राइट साइड में आप देख रहे हैं ये जो मार्केट लगी है, ये है हरिद्वार कांवड़ मार्केट। इस तरफ जो ये मार्केट है, ये छोटी सी मार्केट है, यहाँ पर कई बड़ी मार्केट भी हैं और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी कांवड़ को सजाने वाला सामान लेना चाहते हैं। तो जल्दी से आपको हर की पैड़ी तक ले चलते हैं, हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार और ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ये देखिए ट्रेन आ रही है, ये ऋषिकेश और देहरादून की ओर ये ट्रेन जा रही है और यहाँ पर एक टनल है जिसके अंदर से ये ट्रेन निकलती है। यहाँ पर दो टनल हैं भीमगौड़ा के पास। अगर आप हरिद्वार से कभी ऋषिकेश या देहरादून की ओर गए हैं तो ट्रेन जो है दो बार टनल के अंदर से होकर निकलती है, पहाड़ों के बीच में टनल बनाई गई है। देखिए कांवड़िए नज़र आ रहे हैं, ये जो संख्या बढ़ी है ये ज़्यादातर इसमें कांवड़िए हैं। बस थोड़ा सा और इंतज़ार करें, लगभग 2 या 3 मिनट में हम हर की पैड़ी तक पहुँच जाएंगे। ये देखिए इस तरफ भी कांवड़ का ये सामान मिल रहा है, ये बैग वाली कांवड़ है। ये जो बैग आप देख रहे हैं इसी में गंगा जल भरकर बॉटल को इसमें रख लेते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जब आप हर की पैड़ी में पहुँचेंगे तो श्रद्धालुओं की जो संख्या है, कांवड़ियों की जो संख्या है, उसे देख कर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज उम्मीद है कि हर की पैड़ी कांवड़ियों से भरी भरी नज़र आ रही होगी। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, प्राचीन श्री माँ काली माता मंदिर, बहुत ही मेन मंदिर है। जब हरिद्वार से देहरादून रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था तो यहाँ पर पहाड़ों के पास से जब रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था तो यहाँ पर बनाने में बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रही थी। और ये जो ट्रैक बनाया जा रहा था अंग्रेज़ों के ज़माने का है, और तो यहाँ पर माता काली जी यहाँ का जो इंजीनियर था उनके सपने में आती हैं और उन्हें बताती हैं कि जब तक आप लोग मंदिर तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं बनाएंगे, जब तक ये रेलवे ट्रैक बनकर तैयार नहीं हो पाएगा। तो पहले मंदिर तक रास्ता बनाया गया ताकि श्रद्धालु मंदिर तक पहुँच सके, और रास्ता ये है, ये पुल, क्योंकि अगर ये पुल नहीं बनाया जाता तो मंदिर तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता। तो पहले ये पुल बनाया गया, उसके बाद नीचे रेलवे लाइन बनाया गया। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, हर की पैड़ी से वॉकिंग डिस्टेंस में है, लगभग 300 मीटर की दूरी पर है, तो आप आसानी से इस मंदिर तक आ सकते हैं। और जब भीमगौड़ा की ओर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में ये मंदिर दिख भी जाएगा। कांवड़ की मार्केट सजी हुई है, अभी बड़ी मार्केट दिखाएंगे, आगे तक तो चलेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी कांवड़ भी देखने को मिलेगी। जिस टनल की हम बात कर रहे थे वो टनल यहाँ पर है। ये देखिए ये टनल का मुंह आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से ट्रेन निकलती है। ये देखिए इसके अंदर से ट्रेन निकल कर देहरादून ऋषिकेश की ओर जाती है। कांवड़ देखिए कहाँ कहाँ पर रखी है, पहाड़ों के बीच में। ये देखिए ये जो रखी है ये कांवड़ है, और इस तरफ भी कांवड़ रखी है। ये देखिए पहाड़ों पर रखी गई है, जगह की कमी है तो जिनकी यहाँ पर दुकानें हैं उन्होंने कांवड़ को ऊपर रखा है। ये जो संख्या आपको नज़र आ रही है इसमें मैं कह सकता हूँ कि 60% कांवड़ यात्री हैं, और एक दो दिन के बाद तो हरिद्वार जो नगरी है वो शिवमय हो जाएगी। बम बम भोले के जयकारे आपको हर तरफ सुनाई देंगे। दर्शन करते जाएं आप सभी लोग,
सुंदर सुंदर जो कांवड़ है ये भोले के भक्त हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए यहाँ से गंगाजल ले जाते हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। देखिए यहाँ भी कितनी सारी कांवड़ रखी हुई है, ये देखिए ये ऊपर तक कांवड़ ही कांवड़ रखी है। अब मैं हर की पैड़ी के पास पहुँच चुका हूँ, कुछ ही देर में गंगा जी के दर्शन हम आपको कराएंगे। दर्शन करते जाइए आप सभी लोग। यहाँ देखिए कांवड़ की बड़ी मार्केट यहाँ पर। आजकल जो हमारा तिरंगा है कांवड़ी ये लेकर आते हैं कंधों में रखकर, बहुत अच्छा लगता है। और ये है हर की पैड़ी का गेट। आइए आपको माँ गंगे के दर्शन कराते हैं। सभी लोग कमेंट में जय गंगे माता लिखते जाएं। देखिए अगले वाले कल तक हरिद्वार के घाट जो है खाली खाली नजर आ रहे थे, लेकिन आज देखिए मैंने कहा था कि एक दो दिन के बाद कांवड़ियों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और ये वाला जो घाट है ये देखिए, ये जो घाट है ये है मालवी घाट। सबसे ज़्यादा कांवड़िए जो है इसी घाट से गंगा जल भरते हैं। आप देखिए इस घाट में आपको नहीं दिखेंगे, ये महिला घाट है, इस तरफ ब्रह्मकुंड घाट है, इन दोनों घाटों में नहीं बल्कि मालवी घाट में सबसे ज़्यादा स्पेस भी है। ये देखिए अच्छा लग रहा होगा इन दृश्यों को देखकर। अब हम नीचे ले चलते हैं, माँ गंगे के पास से दर्शन कराएंगे। आप सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जल्दी से शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हरिद्वार कांवड़ यात्रा के दृश्य देख सकें। ये देखिए गंगा जी के दिव्य दर्शन करें आप सभी लोग। ये जो वीडियो आप सभी देख रहे हैं ये है 2 फरवरी के दिन, समय की बात करें तो लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास की ये वीडियो है। दर्शन करते जाइए आप सभी और वीडियो को शेयर जरूर करें, प्लीज जल्दी शेयर करें। इस वीडियो को अपने तक सीमित नहीं रखना है, आगे भी लोगों को दर्शन कराना है। आज हर की पैड़ी में जो घाट है गंगा जी के घाट भरे भरे से नजर आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। शिवमय हो गई है धर्मनगरी। अब अच्छी अच्छी जो कांवड़ है वो दिखाएंगे हम आपको। देखिए कितनी सुंदर सुंदर कांवड़ है। ये देखिए भोले के भक्त यहाँ पर तैयार हैं इनकी कांवड़, और ये कुछ ही देर में यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव। भोले कहाँ से आए आप लोग? चंडीगढ़ से। पैदल यात्रा करेंगे आप? कितने किलोमीटर है यहाँ से? 220 किलोमीटर। कितने पूरे 5-6 दिन लग जाते हैं? 7 दिन लग जाएंगे। 8 तारीख को जलाभिषेक करेंगे, 1 बजे पहुंचेंगे, 1-1.30 बजे। अच्छा अच्छा चलो हर हर महादेव। आइए आपको आगे ले चलते हैं। देखा आपने भोले के भक्त 220 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे हरिद्वार। बहुत सारे भोले के भक्त पहुंचते हैं और गंगा जल यहाँ से भरकर आगे जाते हैं। ये देखिए आज गंगा जल भी हमें बहुत कम नज़र आ रहा है, बहुत कम है आज तो गंगा जल। देखिए आसानी से लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं, बहुत कम है आज के दिन गंगा जल। दर्शन करें आप सभी लोग, वीडियो को शेयर जरूर करें, प्लीज़ जल्दी शेयर करें, क्योंकि इस समय जो है हरिद्वार नगरी पूरी तरह से शिवमय हो गई है। अभी और अच्छी अच्छी कांवड़ हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहें, वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाएं। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी कांवड़ नजर आ रही है, हम वो दिखाएंगे आपको। ये देखिए देखिए ये है ना सुंदर सी कांवड़, ऐसी यहाँ पर 4 कांवड़ हैं।
एक ये है, इससे ये बड़ी है, इससे ये बड़ी है, और लास्ट वाली सबसे बड़ी है। देखिए चारों कांवड़ एक जैसी, बस आकार में छोटी बड़ी है। ये देखिए, बोले आपकी कांवड़ है ये? बोले कहाँ से आए आप लोग जी? स्वार धनोरी, धर के पास में, रामपुर के पास। हाँ, स्वार धनोरी। स्वार धनोरी, अच्छा अच्छा, तो ये आपका ग्रुप है पूरा? हाँ, ग्रुप है। अच्छा, बाकी पच्चीस घड़ा है। ये छोटी है, उससे ये बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी है। अच्छा अच्छा, तो आपकी ये वाली है। कितना कॉस्ट आ जाता है इसमें, कितना पैसा खर्च हो जाता है ऐसी कांवड़ तैयार करने में? लगभग 4,000 रुपये। 4,000 रुपये में? 4 से 5,000 रुपये। समय कितना लगता है बोले आपका? समय इसमें 4 दिन। 4 दिन लग जाते हैं। क्या करते हैं बोले वैसे इसमें? लोहे की तानेंगे, वेल्डिंग होगा इसमें। अच्छा अच्छा, सजावट अपनी। अच्छा, नहीं वैसे क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं? इंटर कर रखा है। नहीं अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, अभी तो जॉब मैं पढ़ाई करती करती है, बाकी भोले जी काम लेना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भोले के भक्त जो हैं हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, और भोलेनाथ सभी की जो मनोकामना है उसे पूर्ण करेंगे। देखिए हरिद्वार नगरी इस समय जो है शिवमय हो रही है। आइए आगे ले चलते हैं, इस तरफ के भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे। यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, बोले ये वाली कौन सी कांवड़ है? झूलेश्वरी। अच्छा, तो इसमें क्या, इसमें जल बांधा जाएगा? हाँ। तो इसमें क्या कलश लगता है या छोटे कलश भी है और कंट्री भी है, एक एक लीटर की। तो इसमें कितने संख्या होगी? इसमें 51 यहाँ से वहाँ तक लेके 51 कलश। कितने लोग इसको ले जाएंगे? 5 लोग ले जाएंगे, बीच बीच में ऐसे करके। ये चाहिए जगह इसीलिए छोड़ी है। तो देख सकते हैं झूलेश्वरी कांवड़ है ये, और ये कांवड़ हम पहली बार देख रहे हैं। 63 इसका वजन है। अच्छा, एक जना लेके जाएगा। दोस्तों ये देख सकते हैं बड़ी कांवड़, 63 किलो का इसका वजन है, रामपुर तक। अच्छा अच्छा, और इसमें गंगा जल कितना रहेगा? अच्छा अच्छा, आइए आपको आगे ले चलते हैं, और ऐसी बहुत सारी कांवड़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, सभी दर्शन हम आपको कराएंगे। यहाँ पर देखिए आप लोग, इस तरफ भी कुछ कांवड़ रखी हुई है। आपको जो भी कांवड़ अच्छी लगती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरफ देखिए कांवड़ का पूजन चल रहा है। ऐसे भव्य दर्शन कभी कभी देखने को मिलते हैं जब फागुन की कांवड़ चलती है या सावन की कांवड़ चलती है। इस तरफ देखिए यहाँ भी भोले तैयार हैं, और यहाँ पर एक सुंदर सी और कांवड़ हमें नजर आई है। ये देखिए कितनी अच्छी कांवड़ है, ये थर्माकोल की सीट से बनाई गई कांवड़ है। ये देखिए यहाँ पर फॉरेनर भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि ये कांवड़ नजर आ रही है, बहुत ही सुंदर सुंदर कांवड़ नज़र आती हैं और मन मोह लेती हैं कांवड़। बहुत मेहनत होती है इन कांवड़ को तैयार करना, इतना आसान नहीं होता है। अपने रोज़मर्रा के काम भी करते हैं ये लोग, पढ़ाई भी करते हैं, और उसके साथ साथ समय निकालकर कांवड़ की तैयारी करते हैं, कांवड़ सजाते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी भोलेनाथ महाकाल जैसी कांवड़ है, महाकाल कांवड़ है। देखिए दिव्य दर्शन करिए आप लोग। अभी सब और भी दिखाएंगे हम कांवड़ आपको। एक बार अब गंगा जी के दर्शन आपको करा देते हैं। नहीं, आप कहेंगे कि कांवड़ कांवड़ में गंगा जी के दर्शन कराना तो भूल ही गए, तो हम आपको गंगा जी के भव्य दर्शन करा देते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमें कांवड़ लेकर यहाँ पर पहुँची हुई हैं, तो इनसे भी बात करेंगे हम। ये देखिए यहाँ पर एक महिला यहाँ पर कांवड़ लेकर पहुँची है। देखिए यहाँ पर आप गंगा जी के दर्शन भी कर सकते हैं, और आज गंगा जल बहुत कम है। ब्रह्मकुंड घाट में देख सकते हैं यहाँ पर रेत भी नज़र आ रही है। ये बीच में जो है
रेत नज़र आ रही है और जल जो है आज काफ़ी कम नज़र आ रहा है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते जाएं, हर हर महादेव सभी लोग लिखेंगे। वीडियो को शेयर करिए प्लीज़ जल्दी जल्दी से, ताकि दूसरे लोग भी इन सुंदर कांवड़ को देख सकें और हरिद्वार के लाइव दर्शन कर सकें। देखिए भोले की कांवड़ लेकर तैयार हैं और चल पड़े हैं, प्रस्थान कर दिया है इन्होंने गंगा जल लेकर। तो दोस्तों अब हम आज की ये वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसी बहुत सारी कांवड़ जो आने वाली हैं आने वाले दिनों में, तो वो दर्शन हम कराते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।